पहले तो आपका स्वागत है पीएलएल न्यूज में, और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप नगर विकास मंत्री ए के शर्मा साहब से मिलकर के लौट रहे हैं, और बड़ी उन्होंने फेसबुक पे आपकी वो भी मुलाकात वो भी शेयर किया है, और इससे क्या मैसेज निकल के आ रहा है, क्या रहा? देखिए अभी तक तो चुनाव था, वो बीजेपी के थे, मैं बहुजन समाज पार्टी का था, तो लड़ाई हुई आपस में एक दूसरे के खिलाफ, वाद प्रतिवाद हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि उनसे दो तरह का रिश्ता हमारा है। एक रिश्ता तो ये है कि वो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं, उनका मकान जो है हमारे नगर पालिका क्षेत्र में ही पड़ता है काजा में, और दूसरा रिश्ता ये है कि वो हमारे विभाग के मुखिया है यानी नगर विकास मंत्री हैं। तो अब उनका दो रिश्ता है, इन दोनों रिश्तों को निभाते हुए उनसे संबंध रखना ही पड़ेगा। और जो सीमा विस्तार हुआ है तो वो उन्हीं के निर्देश पे हुआ है, तो वहाँ विकास करना है, तो वो बहुत तेज तर्रार और बहुत ईमानदार अफसर है। पुराने उनका इतिहास पता करेंगे आप तो शर्मा जी पहले 15 साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब थे मोदी जी गुजरात के, तो वहाँ उनके साथ रहे, फिर 8 साल तक पीएमओ में उनके साथ काम किया प्रधानमंत्री जब हुए, तो उनके पास तो एक बहुत लंबा तजुर्बा है। तो इनके एक तो काम करने का हुनर उनसे सीखना है कि कैसे काम किया जाता है, बड़े से बड़े काम को कैसे आसानी से निपटाया जा सकता है, ये सब कुछ उनसे सीखना है। और दूसरा ये है कि चूँकि खजाना तो उन्हीं के पास है, बादशाह सलामत वही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खजाना से धन यहाँ मऊ में कैसे आवे ताकि मऊ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तो इसमें भी उनकी ही मदद चाहिए। तो हर तरह से मुझको उम्मीद है कि उनका भी सपना है कि मऊ को पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदर्श नगर बनाया जाए, आदर्श नगर पालिका बनाई जाए, वो भी ऐसा सोचते हैं। उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल अभी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा से पूर्वांचल भी जुड़े, इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, और जो भी प्रोजेक्ट बन के जा रहा है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन एक जाहिर बात है कि वहाँ बैठ के उन्हें मालूम नहीं कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, तो उनको एक ऐसा कोई संस्था या ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उनको सही सूचना दे सके और ईमानदारी के साथ उनको अवगत करा सके। तो हम लोग इस काम को करेंगे कि तमाम जो विकास के लिए जो ज़रूरी कार्य हैं उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन तक हम लोग प्रोजेक्ट पहुँचाएंगे, और उम्मीद है कि वो फिर धन्यवाद से रिलीज करेंगे, हम लोग काम कराएंगे। क्या आप सरकार का अंग बन करके काम करेंगे? क्या आपका नहीं, काम देखिए सरकार का अंग हमको बनना नहीं, हम तो सरकार के अंग हैं ही ऑलरेडी। जो भारत का संविधान है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की सरकारों का वर्णन आपको मिलेगा, एक तो केंद्र की सरकार, और दूसरा सूबे की सरकार, और तीसरा लोकल सरकार। तो मैं तो तीसरी सरकार का मुखिया बना हूँ ना, तो अब तालमेल जब तक उत्तर प्रदेश से सरकार से और केंद्र सरकार से हमारा नहीं रहेगा तो योजनाओं को मंजूर कराने में और योजनाओं के क्रियान्वयन में हम लोगों को दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। चुनाव तो बीत गया, कोई भी सरकार हो हर सरकार चाहती है कि विकास हो, और मैं जानता हूँ कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उसमें जो हिस्सेदारी हमारी होती है वो तो मिल ही रही है, लेकिन उस हिस्सेदारी को बढ़ाना है क्योंकि ज़्यादा काम करना है तो हमें अपनी क्वालिटी को साबित करना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा कि हम और संस्थाओं के मुकाबले में हम बेहतर काम करने वाली संस्था हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, काम की क्वालिटी और काम की गुणवत्ता को फोकस करेंगे, काम को गति देंगे ताकि समय सीमा के अंदर काम पूरा हो सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कार्यदायी संस्था हैं उनके सामने सरकार का शिकवा ये हमेशा रहता है कि कार्यदायी संस्थाएं समय से अपना काम पूरा नहीं करती, नतीजा ये होता है कि पैसा लैप्स हो जाता है। तो बहुत सारी फाइलें अभी जाती हैं जिला अधिकारी महोदय के वहाँ, उस पर भी उनसे बात करनी है कि जिन कार्यों के लिए हम लोग सक्षम हैं तो उन कार्यों को वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास बोर्ड है और बोर्ड तय करेगा, और काम को जाँच का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो माननीय जिला अधिकारी महोदय को पूरा अधिकारी है, वो सुपर बॉस है हमारे, वो तो किसी भी काम की जांच कर सकते हैं। लेकिन अब अखबार में टेंडर देना हो तो वो जिलाधिकारी जी तय करेंगे कि किस अखबार में जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारों का हरम है। तो इस पर हम शासन में भी बात करेंगे और डीएम साहब से भी बात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपने अधिकारों को भी प्रयोग करें और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। अच्छा, जनता के बीच एक खास चर्चा जो दिखने जा रही है वो ये है कि आपने वो
शख्सियत दिख रही है कल्पना राय की कि किसी की भी सरकार हो कुछ भी हो बजट लाने में वो माहिर थे। नहीं देखिए, मैं तो जब पहली मतलब चेयरमैन हुआ था तो इस 5 साल के वक्त में 3 सरकार बनी, भाजपा की बनी, बसपा की बनी, अभी समाजवादी पार्टी की बन गई। तो मैंने तीनों सरकारों में एक ही रिजीम में काम किया। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार हो अगर आप में कैलिवर है तो किसी सरकार में काम करने से कोई बाधा नहीं है। और इस बीजेपी सरकार में भी मैं काम करके दिखा दूंगा, लोगों को हैरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक काम करने का एक जुनून होता है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सपनों को मैं साकार करना चाहता हूँ, लेकिन उतना बड़ा मैं बन जाऊँगा ये तो एक ख्वाब हो सकता है। लेकिन चूंकि माननीय नगर विकास मंत्री जी भी हमारे वहाँ के ही हैं, तो हम समझते हैं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जो अधूरा सपना है उनके माध्यम से और हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। जनता यही कह रही है, जनता की अपेक्षा भी यही है, जनता का कहना यही कि वो हर पार्टी से फंड ले लेते थे और काम को करा लेते थे। नहीं, ये तो जो लोग भी कुर्सी की जिम्मेदारी की कुर्सी में बैठे हुए हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप बताइए कि स्टेट और केंद्र में जिन प्रदेशों में आप देख रहे हैं तालमेल बढ़िया नहीं है तो प्रदेश ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीके से नगर पालिका और सरकार के बीच में तालमेल बढ़िया नहीं रहेगा तो नगर पालिका भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो हमको तो जनता ने जिम्मेदारी दी है काम करने की, तो अब उस काम को हमको कराना है, उसके लिए चाहे किसी काम को पैर पकड़ना पड़े, चाहे किसी से झगड़ा करना पड़े, सब करेंगे, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। परसों शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण के फौरी बाद हम लोग अपने काम में जुट जाएंगे। आपका पहला काम क्या होगा जो आपको नजर आ रहा हो कि इसकी अपेक्षित है? पहला तो सबसे ज्यादा फोकस तो सफाई पे होना चाहिए। सफाई के हालात खराब है, सफाई के हालात बेहतर नहीं, संतोषजनक है। तो सबसे पहले वरीयता तो हमने वैसे भी कह रखा है, हालांकि अभी शपथ नहीं लिया है, लेकिन जो अधिकारी भी मेरे पास आए हैं तो मैंने उनसे यही कहा कि सफाई के हालात ठीक नहीं, सफाई बहुत बेहतर बनाइए। टीम आप लोग कमजोर पड़ रही है, जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या क्या है, अभी लिस्ट मांगी मैंने 4 दिन से कर्मचारियों की, अभी तक तो मुझे वही नहीं मिली है। मेरे ख्याल से शपथ देने के बाद ही वो भी मिलेगी। तो अब जो लापरवाही होती थी वो लापरवाही अब नहीं होगी। जो लोग भी नगर पालिका में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको अपने दायित्वों का पूरे तरीके से निर्वहन करना पड़ेगा और उनको पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। अब काम से कोई दामन बचाना चाहे तो वो दामन नहीं बचा सकता, जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी जो सहायता की जरूरत होगी, उनकी मदद की जो जरूरत होगी या उनकी जो समस्याएं होंगी उनका भी निदान किया जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कभी स्लॉटर हाउस हुआ करता था, आज मेरा ख्याल है कि स्लॉटर हाउस की शक्ल में काम नहीं कर रहा है, तो इसमें भी कुछ तवज्जो आप देंगे, इससे बड़ी उम्मीदें लोगों से। स्लॉटर हाउस को लेकर मामला हम लोगों ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैंने मुकदमा लड़ा और उसमें कुछ आदेश भी हुआ और ये आदेश कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये तय करने का अधिकार नहीं कौन क्या खाएगा, स्लॉटर हाउस बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार स्लॉटर हाउस बनाने की जब जिम्मेदारी है तो सरकार जब स्लॉटर हाउस बनाना चाहेगी तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, स्लॉटर हाउस नहीं बना सरकार बनाना चाहेगी तो हम लोग तमाशाई बने रहेंगे। क्योंकि अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि स्लॉटर हाउस बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है। और हमारे पास जो अख्तियार थे, पहले अधिकार थे, उसको कानून बनाकर उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब वो सरकार ने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी ही निर्णय करेगी कि स्लॉटर हाउस का कौन सा क्षेत्र है, कौन स्लॉटर हाउस है जो मानक को पूरा कर रहा है और किसको मंजूरी दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है। वो शासन स्तर पर एक कमेटी बनाई हुई है, अब वो कमेटी तय करेगी कि कहाँ स्लॉटर हाउस बनना है। अगर कमेटी कहती है कि मऊ में स्लॉटर हाउस बनना चाहिए तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, अगर कहती है कि मऊ में नहीं बनना चाहिए तो कोई झगड़ा नहीं है। बीएलएल न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।